We are starting with when you say something is congruent means the shape is the same and the size is also the same. The same shape or same size. इसका मतलब है कि बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी होना चाहिए. कॉन्ग्रेंट का मतलब है कि जो आप चीजें कंपेयर कर रहे हो दैट इज एग्जैक्टली द कॉपी ऑफ द अदर. तो सेम शेप एंड सेम साइज. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस तरह का एक ट्राइंगल ड्रॉ करता हूँ तो और मैं इस तरह का एक ट्राइंगल ड्रॉ करता हूँ तो आई कैन क्लियरली सी दैट दीज टू ट्राइंगल्स आर एग्जैक्टली इक्वल. बस सिर्फ थोड़ा सा टिल्ट हुआ है ना, इन्वर्टेड हुआ है, बाकी तो एग्जैक्टली इक्वल है. अगर मैं इसको सीधा करके बना दूँ तो ये इस तरह नहीं बन जाएगा. This means these two triangles are congruent because the length of each side is equal and the shape is exactly equal. So shape bhi same hona chahiye aur size bhi same hona chahiye when you say something is congruent. Theek hai? Acha, when we talk about similarity, jab hum similarity ki baat karte hain to similarity mein you just have to check the shape. Sirf shape same hona chahiye, size same nahi hoga. Theek hai? For example, main ek example bhi de deta hu. Ye ek triangle maine bana diya. Theek hai? This is a triangle. और मैंने एक ये ट्राइंगल बना दिया. दोनों का शेप तो सेम है, दोनों ट्राइंगल है, लेकिन द प्रॉब्लम इज दैट दोनों की लेंथ की, ठीक है, इसकी लेंथ अलग है, इसकी लेंथ अलग है. तो ये दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स नहीं है. दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स बिकॉज दे आर इक्वल इन लेंथ एंड दे हैव एग्जैक्टली द सेम शेप. तो कॉन्ग्रेंट का मतलब है कि अगर आप एक के ऊपर एक रखोगे तो ये एग्जैक्टली कॉन्साइड करेंगे, एग्जैक्टली मैच करेंगे. लेकिन सिमिलर में ऐसा नहीं होता. सिमिलर में शेप तो सेम होगा लेकिन दोनों की लेंथ डिफरेंट होगी. तो उसको प्रूव करने के हमारे पास कुछ टूल्स हैं, कुछ स्ट्रेटजीज हैं जो कि हम लोग डिस्कस करेंगे. अगर मैं स्ट्रेटजीज की बात करूं तो कॉन्ग्रेंस को प्रूव करने के लिए हमारे पास चार टूल्स हैं. पहले टूल को हम कहते हैं साइड साइड साइड. दिस इज कॉल्ड द फर्स्ट टूल. ये हमारे पास फर्स्ट टूल है. मतलब अगर किसी ट्राइंगल की मैं आपको दो ट्राइंगल्स देता हूँ और दोनों ट्राइंगल्स में साइड्स इक्वल हैं, मतलब एक ट्राइंगल की तीनों साइड्स दूसरे ट्राइंगल की साइड्स के बराबर है, तो इसका मतलब है कि दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट. तो हमारे पास जो पहला टूल है उसको हम कहते हैं साइड साइड साइड. ठीक है, वी हैव टू प्रूव द कॉन्ग्रेंसी बाय यूजिंग दीज टूल्स. ये जो हमारे पास चार टूल्स हैं हम इनको यूज करके प्रूव करेंगे कि हमारा ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है कि नहीं है. तो फर्स्ट टूल इज द साइड साइड साइड. सेकेंड टूल हमारे पास है साइड एंगल साइड. ठीक है, सेकेंड टूल इज कॉल्ड साइड एंगल साइड, जिसको मैं लिख रहा हूँ SAS. दिस इज द सेकेंड टूल. ठीक है, थर्ड टूल हमारे पास है एंगल एंगल साइड, जिसको मैं लिख रहा हूँ AAS. ठीक है, एंगल एंगल साइड मैंने इसके थर्ड को कह दिया. और जो लास्ट टूल है मेरे पास दैट इज कॉल्ड द राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड RHS. ठीक है, तो ये दीज आर द फोर टूल्स जो कि मैं यूज़ करूँगा. किस तरह करूँगा वो मैं इंशाल्लाह आपको फेस टू फेस क्लास में बताऊँगा कि हम ये टूल्स किस तरह यूज़ करेंगे. वी हैव टू यूज दीज टूल्स टू प्रूव द कॉन्ग्रेंसी. इनको हम कहते हैं कॉन्ग्रेंसी टेस्ट. आइदर योर ट्राइंगल्स विल बी सेटिस्फाइंग द फर्स्ट टेस्ट और सेकेंड टेस्ट और थर्ड टेस्ट और फोर्थ टेस्ट. इनमें से कोई एक टेस्ट अगर वो सेटिस्फाई कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि योर ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट. ठीक है, हमें करना यही काम है पूरे चैप्टर में कि वी हैव टू प्रूव द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट और नॉट, द ट्राइंगल्स आर सिमिलर और नॉट, और फिर हमें मिसिंग लेंथ फाइंड आउट करनी है. तो हमें ये चार टूल्स समझने हैं कि व्हाट आर दीज टूल्स. साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड, एंगल एंगल साइड एंड राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड. फर्स्ट टूल मीन ये जो साइड 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 है, इस टूल को स्टडी करने के लिए यू हैव टू ओपन योर बुक और आपको पेज नंबर 344 पे आना पड़ेगा. आई एम रीडिंग द एग्जैक्ट वर्डिंग्स दैट आर इन द बुक. पेज नंबर 344 लास्ट रेक्टेंगल जो बना हुआ है मैं उसको रीड कर रहा हूँ कि व्हाट इज द साइड 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 कॉन्ग्रेंस टेस्ट. साइड 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 कॉन्ग्रेंस टेस्ट क्या है? इफ द थ्री साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल टू द थ्री कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ अनदर ट्राइंगल देन द टू ट्राइंगल्स आर कॉल्ड कॉन्ग्रेंट. दिस इज बेसिकली द साइड 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 कॉन्ग्रेंस टेस्ट. इसमें ये कह रहा है कि अगर किसी ट्राइंगल की तीन साइड्स दूसरे ट्राइंगल की तीन साइड्स के बराबर हैं तो देन दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट. फॉर एग्जाम्पल अगर ये भी फोर है और ये भी फोर है, इफ दिस इज थ्री दिस विल ऑल्सो भी थ्री, और अगर ये फाइव और ये फाइव है तो इसका मतलब है कि इन दोनों ट्राइंगल्स की जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स है ना वो बराबर है. जैसे मैं अगर इसको नाम दे दूँ ए बी एंड सी, ठीक है, और इसको नाम दे दूँ डी ई एंड एफ. ये मैंने दो ट्राइंगल्स को लेबल कर दिया. इसकी जो साइड ए बी है, द साइड ए बी
इज इक्वल टू साइड डी ई, ठीक है। अगर मैं फिगर से देखूं तो ए बी साइड जो है वो डी ई के बराबर है, बी सी साइड जो है वो ई एफ के बराबर है, और ए सी साइड जो है दैट इज इक्वल टू डी एफ। इसका मतलब है कि द थ्री साइड्स ऑफ दिस ट्राइंगल इज इक्वल टू द थ्री साइड्स ऑफ दिस ट्राइंगल, सो दिस मीन्स दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो कॉन्ग्रुएंट कैसे है? अकॉर्डिंग टू साइड 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 थ्योरम, साइड एंगल साइड 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 कॉन्ग्रुएंट सेस हमें ये कहता है कि इफ थ्री साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल टू द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ अनदर ट्राइंगल देन दीज टू ट्राइंगल्स आर। तो कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करने के लिए हमने सबसे पहला टेस्ट अब देख रहे हैं साइड साइड साइड। इसके लिए एग्जांपल नंबर 1 पे आओ, जल्दी से वर्क एग्जांपल 1 पे आ जाओ। वर्क एग्जांपल नंबर 1 मैं उसकी जो है वो फिगर ड्रॉ कर रहा हूँ, उसके बाद उसको एक्सप्लेन करता हूँ। दिस इज माय फर्स्ट ट्राइंगल जो कि ट्राइंगल ए बी सी है, मैं उसको ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। यू हैव टू सॉल्व इट इन योर कॉपी। दिस इज ट्राइंगल ए, और ट्राइंगल है ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। दिस इज 4 सेंटीमीटर एंड दिस इज 7 सेंटीमीटर एंड दिस इज 9 सेंटीमीटर, ठीक है। अनदर ट्राइंगल इज गिवन जो कि थोड़ा सा डिफरेंट बना हुआ है, मैं उसको जो है वो अभी एग्जैक्ट तुम लोग को बना के दिखाऊंगा और स्ट्रेटेजी भी बताऊंगा, ट्रिक बताऊंगा किस तरह बनता है। और दिस इज एक्स, दिस इज जी एंड दिस इज वाई, ठीक है। दिस इज 7 सेंटीमीटर एंड दिस इज 4 सेंटीमीटर एंड दिस इज 9 सेंटीमीटर। और मुझसे बोल ये रहा है कि कह रहा है कि प्रूफ करो दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। अब कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए सबसे पहले तो इसको फिगर को सही करना पड़ेगा, क्योंकि इफ आई लुक क्लोजली ऑन टू द फिगर, अगर मैं फिगर को देखता हूँ तो द नंबर्स आर सेम, मुझे नंबर सेम नजर आ रहे हैं, 479 यहाँ भी नजर आ रहा है, 479 यहाँ भी नजर आ रहा है, लेकिन ट्राइंगल दोनों एक जैसे नहीं लग रहे। तो मैं क्या करूँगा, व्हाट विल आई डू, आई विल जस्ट ड्रॉ अनदर फिगर। मैं क्या करूँगा, इस जैसा ट्राइंगल बनाऊंगा दोबारा। आई एम चेंजिंग दिस फिगर, मैं इस फिगर को चेंज करके बना रहा हूँ। और वॉट इज द ट्रिक, द ट्रिक इज दैट यू हैव टू मेक अ ट्राइंगल एग्जैक्टली पहले वाले ट्राइंगल की तरह। एक दूसरा ट्राइंगल बनाया, यहाँ 4 लिखा है तो तुमने यहाँ भी 4 लिख दिया, यहाँ 7 था तो तुमने यहाँ भी 7 लिखा, और यहाँ 9 है तो तुमने यहाँ भी 9 लिखा। दिस इज द ट्रिक, ठीक है। इस ट्राइंगल को बिल्कुल इस तरह बनाने के लिए मैंने क्या किया, एग्जैक्टली इस तरह का एक ट्राइंगल ड्रॉ किया। इधर 4 लिखा था, मैंने 4 लिख दिया, इधर 7 था, मैंने 7 लिख दिया, इधर 9 था, मैंने 9 लिख दिया। अब ये देखो कि ये जो 9 सेंटीमीटर वाली साइड है, यहाँ 9 सेंटीमीटर वाली साइड कौन सी है, या फिर इसको इस तरह देखो कि 4 और 9 को मिला कौन रहा है, ठीक है। Z कौन सी जगह पे आएगा, जहां 9 और 4 मिल रहा है, तो 9 और 4 यहाँ मिल रहा है, इसका मतलब है Z यहाँ आ जाएगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जरा इसको देखना, इसको देखना जरा, ठीक है। मैंने क्या किया, पहले ट्राइंगल बनाया, ठीक है, उसके बाद यहाँ जो नंबर लिखे थे मैंने एग्जैक्टली वही नंबर लिख दिया, 479। अब मुझे ये देखना है कि Z किधर है, Z है 9 और 4 को के जंक्शन पे, तो 9 और 4 का जंक्शन ये रहा, मैंने यहाँ Z लिख दिया। और अब X, ये देखो Y कहाँ पे, Y है 9 और 7 के पास, तो 9 और 7 कहाँ है, ये रहा, यहाँ मैंने Y लिख दिया। और फिर क्या बचा, X, मैंने X लिख दिया। अब देखो मैंने एग्जैक्टली अपनी फिगर को ट्रांसफॉर्म कर लिया इस तरह। दिस इज इम्पॉर्टेंट, तुम्हें ये करना पड़ेगा, जब तुम यूं कर लोगे तो अब तुम बिल्कुल लिख सकते हो। यू हैव टू राइट द थ्योरम, थ्योरम लिखना पड़ेगा, उसका तरीका है, उसका तरीका ये है कि पहले आपको वर्टेक्स लिखने पड़ते हैं। ए किसके बराबर है, ठीक है, ए किसके बराबर है, ए की जगह पे कौन बना हुआ, ए टॉप पे, ए किसके बराबर है, एक्स के बराबर, आपने ये लिख दिया। अब बी की जगह पे कौन है, जी, तो आपने लिख दिया बी इज इक्वल टू जी। ये आपको पूरा थ्योरम लिखना पड़ता है इन ऑर्डर टू प्रूव द कॉन्ग्रुएंसी। और C की जगह पे कौन है, वाई, तो आपने लिख दिया C इज इक्वल टू वाई, ठीक है। ये काम पहले कर लिया। उसके बाद साइड्स, AB किसके बराबर है, XZ के, तो मैंने लिखा A पहले B बाद में। ऑर्डर का बहुत ख्याल रखना पड़ता है, अगर मैंने A पहले लिखा है तो मैं X पहले लिखूंगा, ठीक है, ये चीज याद रखना। A और B लिखा है तो इसका मतलब X और Z लिखूंगा, तो X एंड Z, और ये किसके बराबर है, दैट आर इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। अब दूसरी साइड की बात करता हूँ, दूसरी साइड है बी और सी, तो पहले मैंने बी लिखा है तो पहले मैं जी लिखूंगा, ठीक है, ये चीज याद रखना है। आई विल राइट बी फर्स्ट, बी सी इज इक्वल टू, इफ आई हैव रिटन बी फर्स्ट तो आई विल राइट जी फर्स्ट, जी वाई। ऑर्डर मैटर करता है यहाँ, ऑर्डर से आपका क्वेश्चन में मिस्टेक आ सकती है, क्योंकि ये कॉन्ग्रुएंसी है, यू हैव टू मेक श्योर द ऑर्डर इज करेक्ट। एंड द लास्ट साइड ए सी, ए और सी लिखा है तो पहले एक्स लिखूंगा फिर वाई लिखूंगा, तो ए
and C will be equals to, if I have written A first, so I will write X first. So X will be first and then Y will be second, and they will be equals to 7 cm. So this is the method of writing the theorem. ठीक है, this is for, ये theorem एक तरह से इसका एक procedure है. You can't say that these two triangles are congruent. आपको थोड़ा सा लिखना पड़ता है. और ये पूरा आपने लिखा इस तरह कि A किसके बराबर है, X के बराबर है, B किसके बराबर है, Z के बराबर है, C is equals to Y, and side AB is equals to side XZ, that is equals to 4 cm. Side BC is equals to side ZY, that is equals to 9 cm, and side AC is equals to XY, that is equals to 7 cm. अब आप देखते हो तो आप कहते हो कि बोथ साइड, तीनों साइड्स दूसरे ट्राइंगल की तीनों साइड्स के बराबर है. इसका मतलब है कि मैंने फर्स्ट एंगल को, मैं फर्स्ट थ्योरम को यूज करते हुए मैंने प्रूफ कर दिया है कि मेरे जो दो ट्राइंगल्स हैं कौन कौन से, ए बी एंड सी, ए बी एंड सी इज कॉन्ग्रुएंट टू, ऑर्डर का ख्याल रखना, ए की जगह पे पहले क्या है एक्स, तो मैं एक्स लिखूंगा, पहले मैंने एक्स लिखा, और B के साथ क्या लिखूंगा Z, तो I will pair B and Z, और C की जगह पे मैं क्या लिखूंगा Y, तो I will write C. और जो क्राइटेरिया मैंने यूज किया है कौन सा क्राइटेरिया है, the criteria is side, side and side. So you have to do this in every question. आपको इस तरह पूरे हर क्वेश्चन में करना पड़ेगा, क्योंकि यू हैव टू प्रूव समथिंग. तो प्रूफ को फिर अकॉर्डिंगली आप प्रूफ करते हो. पहले आपको फिगर सही करके बनानी पड़ेगी, फिर आपको वर्टिसेस बराबर करने हैं, फिर आपको जो गिवन है, चूंकि इस क्वेश्चन में हमें तीनों साइड्स गिवन थी, इसलिए हमने तीनों साइड्स को इक्वल करके हमने प्रूफ कर दिया कि द टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, एंड द रूल, द टूल व्हिच वी यूज इज साइड, साइड, साइड. देखो, दिस इज वर्क्ड एग्जांपल 1. वर्क्ड एग्जांपल 1 को कॉपी कर लो एंड देन ट्राई प्रैक्टिस नाउ 1. मैं इसको दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूं. अच्छा, दिस इज एग्जांपल नंबर 1, पेज नंबर 345. इसमें हमें उसने दो ट्राइंगल्स दिए हुए थे. दिस वाज द फर्स्ट ट्राइंगल ए बी एंड सी, बिल्कुल इसी तरह ड्रॉ है. अगर तुम फिगर में देखो, अगर बुक में देखो, तो बिल्कुल ये ट्राइंगल इसी तरह ड्रॉ हुआ है. ये वाली साइड 4 cm है, ये वाली साइड 7 cm, एंड दिस इज 9 cm. दूसरा ट्राइंगल जो हमें दिया हुआ है वो एक्स वाई जी दिया हुआ है, जो कि इस तरह ड्रॉ है. अगर आप बुक में देखो तो ये वाई है, ये एक्स है, ये जी है. ये वाली साइड 4 दी हुई है, ये 9 दी हुई है, और ये 7 दी हुई है. और हमसे कह रहा है कि दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, प्रूफ करो कि ये कॉन्ग्रुएंट है. तो प्रूफ करने के लिए द फर्स्ट स्टेप इज दैट मुझे इसको बिल्कुल एग्जैक्टली इस तरह ड्रॉ करना पड़ेगा, क्योंकि ये अभी इन्वर्टेड है, ये उल्टा है, तो मुझे उसको सीधा करना पड़ेगा. जब तक मैं सीधा नहीं करूंगा, मुझे समझ नहीं आएगा कौन सी साइड किसके बराबर है. तो मैंने क्या किया, सबसे पहले सीधा बनाने की ट्रिक किया है, बिल्कुल इसी तरह का एक ट्राइंगल दोबारा ड्रॉ किया. इधर जो डायमेंशन लिखी हुई थी वही मैंने यहाँ लिख दी, यहाँ 4 लिख दी, या 7 लिखा हुआ था मैंने 7 लिख दिया, 9 लिखा था मैंने 9 लिख दिया. अभी अल्फाबेट्स मत लिखना, अल्फाबेट्स आखिर में लिखेंगे. अब जरा इस फिगर को देखो, और ये देखो कि Z कहाँ पे है. Z इज एट द जंक्शन ऑफ 9 एंड 4, जहाँ 9 और 4 मिल रहा है वहां Z लिखा हुआ है. तो 9 और 4 यहाँ मिल रहा है, देखो ये 9 है और ये 4 है, तो ये दोनों जहाँ मीट हो रहा है मैंने यहाँ Z लिख दिया. X किस साइड पे, X साइड पे 7 और 4 वाली साइड पे, तो 7 और 4 जहाँ मिल रहा है वहां X है, तो मैंने X लिख दिया. और जो बाकी वाला वर्टेक्स था वो वाई था, मैंने वाई लिख दिया. इस तरह मैंने अपने इस ट्राइंगल को सीधा करके बना दिया. अब मुझे दोनों ट्राइंगल एग्जैक्ट एक जैसे लग रहे हैं, तो अब मैं थ्योरम लिखूंगा पूरा किस तरह प्रूफ करते हैं. तो ए वर्टेक्स किसके बराबर है, ए ऊपर लिखा है, एक्स ऊपर लिखा है, तो मैंने लिख दिया ए इज इक्वल्स टू एक्स. बी की जगह पे क्या लिखा है, जी, तो बी इज इक्वल्स टू सी. एंड सी किसके बराबर है, वाई, तो सी इज इक्वल्स टू वाई. ये आपको हर क्वेश्चन में करना पड़ता है, दिस इज द मेथड ऑफ प्रूविंग. उसके बाद चूंकि तीन साइड्स गिवन है, तो साइड्स को इक्वल करना है, तो पहले ए बी, ए बी किसके बराबर है, ए पहले लिखा है, बी बाद में लिखा है, तो एक्स पहले लिखूंगा, जी बाद में लिखूंगा. तो ए बी विल बी इक्वल टू एक्स जी, जो कि 4 cm के बराबर है. बी और सी, बी लिखा है पहले फिर सी लिखा है, तो पहले जी लिखूंगा फिर वाई लिखूंगा. तो बी सी इज इक्वल टू जी वाई, जो कि 9 cm के बराबर है. और ए सी, ए पहले लिखा है, सी बाद में लिखा है, ए सी विल बी इक्वल टू एक्स वाई, जो कि 7 cm. Since the three sides of one triangle is equal to the three sides of the other triangle, ये मैंने प्रूफ कर दिया, क्योंकि यहाँ देखो दोनों साइड बराबर है, दोनों साइड बराबर है, दोनों साइड बराबर है. इसका मतलब है कि these two triangles are congruent. और मुझे बस सिर्फ एक लाइन लास्ट लिखनी है कि कौन से टू ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है. तो ट्राइंगल ए बी सी, पहले ए लिखा है, तो ए के साथ किसको पेयर बनाऊंगा, एक्स का, तो पहले एक्स लिखूंगा. बी के साथ जी का पेयर बनाऊंगा, तो बी के साथ जी लिखा, और सी के साथ वाई लिखा. दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है, ये कॉन्ग्रेंट का प्रूफ वो है सिंबल. और जो क्राइटेरिया मैंने यूज किया, जो टेस्ट मैंने परफॉर्म किया, वो कौन सा टेस्ट है, साइड, साइड, साइड.